हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आ रही होगी उसको भी पुश कर दें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि आपकी सिलाई मशीन अगर भारी चल रही है और धागा काफ़ी टूट रहा है या तो फिर बिल्कुल भी आपकी सिलाई अच्छी नहीं हो रही है, तो इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी मशीन को बिना मार्केट भेजे या गए सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बाबिन केस जो होता है हमारा यहाँ पे, ये देखिए, उसको निकालना है। इसको निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पेच यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए दोनों साइड में, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट इस तरीके से बैठ गए हैं, ये देखिए। मैं आपको इसको ड्राइवर स्क्रीन निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से डस्ट बैठ जाने से हमारी मशीन काफ़ी भारी चलने लगती है, जिससे कि हमारी सिलाई भी अच्छी नहीं होती है और काफ़ी टाइम लगता है हमें किसी भी चीज़ को सिलने में। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें काफ़ी डस्ट बैठा है, ये ऐसे नहीं साफ़ होगा। तो इसलिए इसके लिए हमें किसी बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो दो पेच है हमें उसको खोलना है इस तरीके से। इसको निकाल लें और अगर ये भी पेच भी आपका काफ़ी जाम है और खुल नहीं रहा है तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर 2 या 5 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे कि एक थोड़ा सा इसकी जंग निकल जाएगी और फिर आप आसानी से इसको खोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको दोनों साइड से खोल दिया है और अब हम इसका पार्ट, ये वाला ऊपर वाला निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये खुल जाएगा और इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक ये छोटा वाला और इसमें एक और पार्ट है। तो इस तरीके से मैं इसको बाद में दिखाऊंगी, पहले ये देखिए कितनी इसमें डस्ट बैठी हुई है, मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी आ जाती है, जिससे कि हम इसको जल्दी साफ़ नहीं करते हैं और हमारी मशीन भारी चलने लगती है। और इस तरीके से हमें सिलाई करते करते इसमें काफ़ी धागे भी फंसते हैं और उसके रेशे भी इस तरीके से निकलते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मशीन सिलाई मशीन की क्लीनिंग आपको हमेशा करनी चाहिए और इस तरीके से आप बहुत ही ईजली इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। तो हम अच्छे से इसको कपड़े से पोंछ लेते हैं पहले। ये देखिए, इस तरीके से इसकी सफाई अच्छे से कर लें और अब इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ये वाला पार्ट भी जो हमने निकाला हुआ है। और इसमें एक और पार्ट होता है तो इसको भी मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ कि ये भी निकल सकता है और फिर उसको भी हम साफ़ करेंगे। और अब हम इसमें अच्छे से इसकी ऑयलिंग करेंगे। तो आप सिलाई मशीन का ही तेल लें और अगर आपकी मशीन में काफ़ी जंग लगे हुए हैं तो पहले आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल जहाँ जहाँ जंग लगे हैं वहाँ वहाँ डाल दें और फिर इस तरीके से मशीन के तेल से फिर इसकी ऑयलिंग करें। तो इस तरीके से मैं तेल डालूंगी। ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स में हमें ऑयलिंग करनी है। ये देखिए, इसके नट बोल्ट में भी लगा दें जिससे कि ये काफ़ी ढीला रहे और इसको अच्छे से सब तरफ डालें तेल को।
और इस तरीके से इस पतले स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसकी सफाई कर लें जहाँ जहाँ कोने में भी अगर डस्ट बैठे हैं तो। और इस तरीके से जो हमने पार्ट को निकाला है उसको भी हम ऑयलिंग कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसकी भी क्लीनिंग कर ली है। और अब ये वाला इसका पार्ट भी इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करना रहता है हमें, तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले अच्छे से इसकी ऑयलिंग कर लें। तो देखिए इस तरीके से इसको भी फिक्स करने के लिए यहाँ पे लगता है ये। तो ये वाला भी हम पार्ट खोल देते हैं इस तरीके से। आप नीचे से नट को ढीला करेंगे तो ये वाला भी पार्ट हमारा खुल जाएगा इस तरीके से देखिए। और ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं जो हमने अभी निकाला है, ये देखिए। और फिर इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए। और फिर इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं जो कि मैंने खोलकर आपको दिखाए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। और अब हम इसको नीचे की ओर रखेंगे, जो हमारा लास्ट छोटा वाला जो पार्ट है उसको हमें नीचे की ओर इस तरीके से रखना है जो कि शिफ्ट हो जाए अच्छे से। और इस तरीके से घुमाना है, ये देखिए ये बिल्कुल शिफ्ट हो गया है इस तरीके से ऊपर की ओर, अब चला गया ये। और अब हम यहाँ से इसको टाइटली इसके नट्स को लगा देना है और फिर इसको टाइट कर देना है। फ्रेंड्स इसको अच्छे से टाइट कर दें जो कि हिलेगा। अगर ये अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो हमारी सिलाई अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम पेज को बिल्कुल टाइट कर दें, इस तरीके से अच्छे से नट लगा दें इसका। ये अच्छे से, क्योंकि मेरे हाथ में तेल लगा हुआ है तो ये सही से फिसल रहा है हाथ मेरा। और इसको अच्छे से हम लगा देंगे, ये बिल्कुल टाइट रहना चाहिए गाइस, ध्यान रखें। आप मशीन के कोई भी पार्ट खोलें तो उसको अच्छे से फिक्स करें ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल ख़राब ना हो। और इस तरीके से यहाँ पे भी हम ऑयलिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ पे जो होल रहता है और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा मशीन का, उसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए कि काफ़ी तेल अंदर चला जाए और हमारी मशीन काफ़ी ढीली हो गई है और ये एक राउंड चलाने पर ही अच्छे से चल रही है। और ये देखिए यहाँ का जो पार्ट हमारा होता है ये धागे को टाइट और ढीला करने के लिए होता है, तो इसको बिल्कुल टाइट ना करें, आप इसको थोड़ा ढीला ही रखें, इससे धागा बार बार टूटेगा नहीं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी मशीन एक बार ही चलाने पर कितने अच्छे से ढीली होकर चल रही है। बस इसको साफ कर रखें हमेशा। और इस तरीके से अब बॉबिन केस जो हमारा होता है तो उसको, ये देखिए यहाँ से जो धागा हम इसको निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे नट रहता है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कैमरा क्लोज करके, यहाँ पे एक छोटा सा नट रहता है, ये ढीला हो जाता है जिसकी वजह से हमारे धागे जल्दी से टूट जाते हैं और सिलाई हमारी अच्छी नहीं होती है, क्लीन नहीं होती है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से टाइटली रखेंगे जिससे कि हमारा धागा अच्छे से इसमें से निकले और हमारी सिलाई भी बिल्कुल क्लीन हो। तो इस तरीके से हम इसको टाइट करेंगे, ये देखिए ये फिक्स हो गया है बिल्कुल। और अब हम इसको लगा देंगे वापस। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और हमारा मशीन का पार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका दाता बना हुआ रहता है जिससे कि कपड़ा आगे पीछे की ओर भागता है। ये देखिए ये वाले साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 नट्स लगे हुए हैं, तो इसको मैं खोलूँगी। लेकिन ये देखिए ये जो ये वाला जो पार्ट होता है मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो इसमें 2 नट लगे रहते हैं। और ये इसकी सिलाई करने, जब हम कपड़ा इस पर सिलते हैं तो ये धागा और कपड़ा आगे पीछे करता है, तो इसको भी सही से ना चलने से भी हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम इसको भी खोलेंगे,
ये देखिए यहाँ से मैं दोनों चीज़ें खोल लूँगी इसके। और अब हम ये वाला पार्ट इसका निकाल लेंगे, ये पूरा इसके ऊपर का स्टील वाला पार्ट निकल जाएगा। और ये देखिए ये इसमें भी काफ़ी पीछे से जंग लग गए हैं, तो इसको भी हम थोड़ी सी ऑयल डालकर छोड़ देंगे। और ये देखिए इसमें भी कितने डस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डस्ट इसमें से निकले हैं। तो इससे भी हमारी ये वाला जो दाता रहता है वो अच्छा नहीं चलता है, तो इसको भी हम इसी तरीके से साफ़ करेंगे और इसकी भी हम ऑयलिंग करेंगे। इसको भी हम अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। आप इसमें कपड़े में थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर उसके बाद इसको साफ़ करें तो जितने भी डस्ट हैं कपड़े में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हम इसमें इस तरीके से ऑयल डाल देंगे। इसमें भी थोड़ा मैं लगा दूंगी, ये देखिए इसमें भी काफ़ी पीछे से इसके जंग लग गए हैं, तो इसको भी हम थोड़ी ऑयलिंग कर देंगे। और अब हमें इसको बिल्कुल वहीं पे फिक्स कर देना है इस तरीके से, और फिर से हमें इसको टाइट कर देना है। फ्रेंड्स इसको भी हमें ढीला नहीं रखना है, इसकी भी नट हमें बिल्कुल अच्छे से टाइट करनी है। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसको भी टाइट कर लें। ये देखिए दोनों मैंने अच्छे से इसको टाइट कर लिया है और हमारी मशीन बिल्कुल ढीली चल रही है। ये देख सकते हैं आप, एक बार इसको राउंड घुमाने से ये काफ़ी देर तक इस तरीके से चल रही है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है। मेन प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मेरी मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, तो इस तरीके से अब इसकी बिल्कुल क्लीन सिलाई चल रही है। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूदली ये चल रहा है और बिल्कुल अच्छी इसकी सिलाई आगे पीछे दोनों साइड से हो रही है। तो इस तरीके से हम अपनी मशीन को घर में ही बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कितनी यूज़फुल थी आपके लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।